नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। श्रवण कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल का टिकट नवादा लोकसभा से मिलने के बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बहुत बवाल है। और आलम यह है कि कल का जो अपडेट था वो ये था कि विनोद यादव जो प्रदेश के महासचिव थे, पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजबल्लभ प्रसाद के भाई, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, महासचिव पद, सारा पद से त्याग पत्र दे दिया था। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा था अपने जनता के नाम। और आज जो है सो उन्होंने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, जिलेवासियों, लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की एक बड़ी बैठक अपने आवास पथरा इंग्लिश पर उन्होंने बुलाई थी। और इस दौरान का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। काफ़ी संख्या में लोग जुटे और उस बैठक में उनके साथ उनके भतीजे MLC जो हैं नवादा स्थानीय निकाय प्राधिकार के अशोक यादव, वो भी वहाँ मौजूद थे। और दोनों चचा भतीजे ने जबरदस्त तरीके से राजद के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन पर किसी ने प्रत्यक्ष तो किसी ने परोक्ष रूप से जबरदस्त हमला किया है। वो हम आगे उनका बयान आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या हमला किया है दोनों ने, और काफी संगीन आरोप लगाए हैं। और एक ने कहा कि हम और हमारा परिवार अपराध की राजनीति के खिलाफ पूरी तरह से रहा है और आगे भी रहेगा। अब ये किस पर हमला है समझ सकते हैं। और दूसरा आगे भी उन्होंने कहा है कि मतलब कि वो सीधा सीधे पार्टी नेतृत्व पर भी उन्होंने हमला किया है और कहा है कि कैसे कैसे लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है मोटा मोटी तौर पर। वहीं MLC जो अशोक यादव है उन्होंने सीधे तौर पर यह हमला किया है भू माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, मतलब सीधे तौर पर जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, उन पर हमला किया गया है। भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, सुनाएंगे आपको आगे। तो अब आलम यह है कि फिलहाल बैठक चल रही है, बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इतना मोटा मोटी तय है अभी तक जो विनोद यादव कह रहे हैं कि जनता मालिक है और जनता जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो हम लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन इशारों में उनके भतीजे जो MLC अशोक यादव हैं उन्होंने साफ कर दिया कि एक जनता के नाते हम भी चाहते हैं कि विनोद यादव जी चुनाव लड़े। तो क्या कुछ वहां का माहौल रहा, चलिए आपको लिए चलते हैं। निर्णय कुछ आएगा बाद में, लेकिन इतना मोटा मोटी मान के चलिए कि निर्णय वही होना है जो इसके पहले होता रहा है। राजबल्लभ फैमिली की बगावत लालू फैमिली से एक नहीं कई मौके पर हो चुकी है। हम आपको पहले ही बता चुके कम से कम 5-6 दफा ऐसा है। 95 में जब RJD का टिकट नहीं मिला राजबल्लभ यादव को, तो उन्होंने उसमें का जनता दल था लालू यादव के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए। 96 में जो लालू जी के प्रत्याशी थे CPM के प्रेमचंद राम पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वहां पर उन्होंने विरोध किया और मालती देवी को चुनाव लड़ाया। उसके बाद आप आ जाइए फिर आगे हाल फिलहाल का MLC चुनाव तो आप देख ही रहे हैं, इसमें उन्होंने बगावत किया। 2009 के चुनाव में उन्होंने पार्टी के जो समर्थित पड़ते उम्मीदवार थे लोजपा की बीना देवी, उनके खिलाफ बगावत करके चुनाव राजौली जी खुद लड़े। कई दफे ऐसे हैं, कम से कम आधा दर्जन बार की स्थिति है। 2004 में उन्होंने बीरचंद पासवान का भी खिलाफत किया था। उसके पहले भी एक वक्त आया था जिसमें उन्होंने, तो कहने का बारी आई है तो वो मनाते भी रहे। खैर इस बार क्या होता है वो भविष्य के गर्त में, लेकिन इतना तय है कि नामांकन विनोद यादव का होगा। और अगर पार्टी नेतृत्व नहीं मनाती है इस परिवार को तो नजारा कुछ और हो सकता है। तो चलिए क्या कुछ माहौल वहां रहा हम आपको दिखाते हैं पथरा इंग्लिश का। और अशोक यादव MLC और जो विनोद यादव हैं जिन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया, उनकी बात को भी सुनाते हैं। पूरी बात गंभीरता से सुनिएगा, माहौल देखिएगा। तो उससे पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों, वीडियो आपको दिखाएं उससे पहले एक अपील दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भावना के खिलाफ में जो टिकट किया गया है नवादा में, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, वैसे लोगों को हमेशा हमारा पूर्व में हमारा परिवार वैसे व्यक्ति को रोकने का काम किया है। आगे भी हम लोग जब है अभी तो वैसे व्यक्ति को गलत सांसद में जाने नहीं देंगे। आप भी निर्दलीय थे, आपके साथ भी RJD किया, फिर भी आप RJD पे भरोसा क्यों करते हैं? राष्ट्रीय, क्योंकि हम लोग का एक
राष्ट्रीय जनता दल बनाने में हम कहीं ना कहीं हमारे परिवार का खून और पसीना उसमें मिला हुआ है। हमारे पिताजी 13 विधायक अगर बीजेपी से तोड़ के नहीं लाते तो आलम बाबू हमारे गार्जियन बता दिए कि आज लालू यादव जी का नाम वो निशान नहीं होता। लेकिन लालू यादव जी को जिस जो पहले लालू यादव थे आज के लालू यादव में फर्क है। आज गलत लोगों का सलाहकार नियुक्त किया गया है लालू यादव जी के यहाँ, तेजस्वी यादव जी के यहाँ, जो गलत सलाह देते हैं और गलत सलाह के कारण ही गलत लोगों को। तो ये क्लियर है ना, तो विनोद यादव को आप चुनाव उतारिएगा आरजेडी के खिलाफ? हमारा सोच है, हमारा मांग है कि विनोद यादव आज की बैठक में सब क्या निर्णय हुआ, क्या निर्णय ले जो जनता बाकी और जैसे हम जनता है उसे बाकी और जनता जो निर्णय लेगा वो लेगा। हम लोग मेरा मांग है कि लड़े। आपके कितने विधायक आपके साथ है? हमारा सभी के सभी राष्ट्रीय जनता दल का विधायक और सारा संगठन साथ है। जो नकली अध्यक्ष है, जो बता देते हैं आपको, जो जिला अध्यक्ष है वो कुछ दिन पहले बीजेपी का था, बीजेपी का एजेंट है। अगर आज अनिल सिंह को यहाँ से टिकट दे दिया जाता तो पूछिए कि वो कहाँ रहेगा, कहाँ कौन सा जगह पे रहेगा। नहीं, अभी जिन आरजेडी से जिनको सिंबल मिला उनका भी कहना है कि हमें हमारे सारे जनप्रतिनिधि और विधायकों का उन्हें समर्थन देखने का चीज है ना कि उनके साथ कितने लोग खड़ा है और यहाँ कितने लोग खड़े हैं। तो क्या ये चुनाव बागी होकर लड़ेंगे? हमारा तो मांग है निश्चित चुनाव लड़े और बाकी जनता का जो निर्णय होगा वो सम्मान होगा। कल ही हमने इस्तीफा दे दी थी, साथ में सारे अपने बातों का प्रतिक्रिया बातों को रख दिया। अब जनता मालिक है, तय करेगी कि हमें क्या। आपको प्रदेश सचिव बनाया गया, यहाँ पर आप लोग कह रहे थे पैसा का चला, क्या पैसा का खेल चला है? सारा दुनिया जान रहा है कि कहाँ क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये है कि हम लोग जो है सदैव अपराध और अपराधियों चरित्र का जो व्यक्ति है उनके नवादा में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं और सदैव लड़ते रहे। आपसे कोई डिमांड लालू यादव पे आरोप लगा रहे हैं? हम लोग जो है सदैव अपराध और अपराधियों के चरित्र के जो है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहे। क्या आप लोग चुनाव आप लड़िएगा, आपका क्लियर है? ये जनता तय करेगी। हमारे समर्थक का बैठक है, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं, उन लोग जो आदेश देंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य। कौन कौन विधायक आपके साथ रहेंगे? क्या कौन कौन विधायक आपके साथ है? विधायक आरजेडी के जो विधायक है। हमारा कहना है कि जनता, हमने कभी आज तक के कुछ साल में नहीं कहा है कि हमें चुनाव लड़ना, कौन कौन साथ है ना साथ है इनके हमने कभी नहीं कहा है। और ना हमने राष्ट्रीय जो शीर्ष कोई भी नेता है, लालू प्रसाद जी हो या तेजस्वी, कभी हमने ये नहीं कहा कि हमें टिकट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना है। उन्होंने हमें बुला के कहा कि आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने मन बनाया है अगर आपको है कि टिकट से मुझे देने का। दूसरे पार्टी से भी आपको बुलावा आया है? अगर इंडिपेंडेंट से बुला है हम संपर्क में नहीं है, लोग संपर्क हमसे कर रहे हैं। जैसा आपने सर लोग हमसे संपर्क हम संपर्क में नहीं है, लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हम लोग का पूरे परिवार का आज तक है नवादा जिला का जनता का जो मान है उसके रखते हुए जो पार्टी अभी जो कोई हमारे उस लायक होंगे तब अलग बात है। अन्यथा हम लोग किसी पार्टी के नवादा में किसी पार्टी की आवश्यकता क्या है? जनता हमारे साथ है, जनता मालिकों का आशीर्वाद सदैव हम हमारे परिवार के ऊपर रहा और अब निर्दलीय भी लड़ सकते हैं अगर नहीं बुलावाएगा किसी से। तो क्या अगर किसी दल से नहीं आता है तो निर्दलीय भी जा सकते हैं? पार्टी की क्या चीज है, जब जनता जनता ने हमें आशीर्वाद अपना दे चुका है तो किसी पार्टी का क्या मतलब है? विनोद जी आखिरी सवाल आपसे, विनोद जी निर्दलीय तो वो किस पार्टी के साथ साथ देंगे दिल्ली की गद्दी बनाने में? नवादा से अगर विनोद यादव इस पार्टी का इसमें साथ देने की क्या बात है? जो नवादा का जनता का विश्वास के लिए, जो जनता का कार्य करने के लिए जो है उनके साथ है, और जो अपराधियों को जैसे आज के डेट में पूरे बिहार में अपराधियों को टिकट बांटा जा रहा है तो अपराधियों को बांटा जा रहा है तो ठीक है, हम उनके खिलाफ पूरे परिवार नो में भी जब बाहर से जब है आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी यहाँ चुनाव लड़ने आए उस समय भी हमारे बड़े बरामद